हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल फिन हब। फ्रेंड्स, कई बार हमें पैसों की ज़रूरत होती है, चाहे वो कुछ सामान खरीदने के लिए हो या फिर कुछ अर्जेंट मेडिकल एक्सपेंस के लिए, और अक्सर हमें लोन लेना पड़ता है। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं ऐसे ही एक ऑप्शन को, जो कि प्रोवाइड किया है इंडिया बुल्स ने धनी ऐप के थ्रू। हम इस वीडियो में रिव्यू करने वाले हैं धनी फ्रीडम वन कार्ड को। फ्रेंड्स, धनी की एडवर्टीजमेंट के अकॉर्डिंग ये मिलता है आपको 0% इंटरेस्ट पर क्या सच में ये 0% इंटरेस्ट पे है? क्या आपके पास कोई और ऑप्शंस भी है? ये सब कुछ हम इस वीडियो में देखेंगे, तो इसलिए इसे एंड तक ज़रूर देखिए। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूँगा, हमारे चैनल फिनहब को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले मिले। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले कुछ जान लेते हैं धनी ऐप के बारे में। इस ऐप को लेके आया है इंडिया बुल्स, और उनके अकॉर्डिंग इसे 2 करोड़ से ज़्यादा लोग यूज़ कर रहे हैं। इस ऐप के कई फीचर्स हैं, आप इसके थ्रू क्रेडिट लाइन ले सकते हैं, फ्रीडम वन कार्ड ले सकते हैं जो हम आगे रिव्यू करने वाले हैं, सुपर सेवर ले सकते हैं जहां पर आपको 5% कैश बैक मिलेगा। आप इस ऐप के थ्रू रिचार्ज, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट, एयरलाइन होटल बुकिंग भी कर सकते हैं। फ्रेंड्स, साथ ही में आपके पास डॉक्टर से वीडियो कंसल्टेशन का ऑप्शन है, और आपको कुछ एडिशनल डिस्काउंट्स मिलते हैं मेडिसिन ऑर्डर करने पर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं क्या है धनी वन फ्रीडम। फ्रेंड्स, इस कार्ड के थ्रू आपको 1 लाख तक की क्रेडिट लाइन मिलती है, और कंपनी के अकॉर्डिंग ये 0% इंटरेस्ट पर है। पर फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, जब भी आप ये कार्ड लेते हैं तो आपको एक मंथली सब्सक्रिप्शन देना होगा, जो कि डिपेंड करेगा आपने कितने तक की क्रेडिट लाइन ली है, और इसे हम आगे डिटेल में देखेंगे। पर उससे पहले समझते हैं कार्ड के बारे में। फ्रेंड्स, जब भी आप धनी वन फ्रीडम कार्ड अप्लाई करते हैं धनी ऐप के थ्रू, तो आपको एक धनी वन रुपए कार्ड मिलता है, जो कि बिल्कुल फ्री है। और अगर आपने पहले से ही धनी रुपए कार्ड लिया है, तो वही कार्ड आपका धनी वन फ्रीडम कार्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, और जो भी आपको क्रेडिट लाइन मिली है वो उस कार्ड में ऐड हो जाएगी। फ्रेंड्स, जो भी आप इस क्रेडिट लाइन के थ्रू महीने में खर्च करेंगे, उसे आपको 3 EMIs में वापस पे बैक करना होगा। फॉर एग्जाम्पल, आपने 1 मार्च को ये कार्ड एक्टिवेट किया, तो 1 मार्च से 30 मार्च के बीच में आपने जो भी खर्च किया, मान लीजिए 10,000 रुपये, तो आपको इन 10,000 रुपयों को 3 मंथली इंस्टॉलमेंट में देना होगा, और ये मंथली इंस्टॉलमेंट ऑटोमेटिकली आपके बैंक अकाउंट से कट जाएगी। फ्रेंड्स, आप इस कार्ड को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही परचेज के लिए यूज़ कर सकते हैं। आप ऑनलाइन किसी भी ट्रांजैक्शन, जैसे कि अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट या फिर किसी भी और साइट के थ्रू परचेज करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। साथ ही में ऑफलाइन में किसी भी स्टोर में जाके पेट्रोल भराने के लिए या फिर किसी भी ग्रॉसरी के ऊपर भी खर्च कर सकते हैं। फ्रेंड्स, साथ ही में आपको यहाँ पर 0.5% कैशबैक मिलेगा आप जो भी स्पेंड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने महीने में 10,000 रुपये खर्च किए, तो आपको 50 रुपये वापस मिल जाएंगे कैशबैक के रूप में। फ्रेंड्स, साथ ही में इस कार्ड में कुछ और बेनिफिट्स भी हैं, जैसे कि आपको 40% डिस्काउंट मिलेगा जब आप धनी ऐप के थ्रू मेडिसिन ऑर्डर करते हैं। साथ ही में आपको 24/7 फ्री वीडियो डॉक्टर कंसल्टेशन मिलेगा, जो कि मुझे इस ऐप का सबसे अच्छा फीचर लगा। फ्रेंड्स, जैसे ही आप इस कार्ड को एक्टिवेट करते हैं, तो आपको एक डिजिटल कार्ड मिल जाएगा, और आप चाहेंगे तो अलग से प्लास्टिक कार्ड भी आपके डिलीवरी एड्रेस पर डिस्पैच हो जाएगा, और इसके लिए आपको कोई भी एडिशनल अमाउंट पे नहीं करना होगा। और फ्रेंड्स, अगर आप धनी की ऐप में धनी वॉलेट पर जाएंगे, तो यहाँ पर आपको 2 टाइप के वॉलेट दिखेंगे। एक तो होगा जनरल बैलेंस, जिसे आप किसी भी ट्रांजैक्शन के लिए यूज़ कर सकते हैं। फ्रेंड्स, साथ ही में आपको यहाँ पर धनी कैश भी दिखेगा। आप इस धनी कैश को यूज़ करके अपनी EMI का 10% तक दे सकते हैं। फ्रेंड्स, आप इस धनी कैश को अर्न करने के लिए धनी ऐप पर गेम्स खेल सकते हैं, या फिर आपके रेफरल के थ्रू कोई भी धनी ऐप इंस्टॉल करता है, तो वो जो भी सब्सक्रिप्शन फीस देगा, उसका 20% आपको धनी कैश में मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर रेफरल एक काफ़ी अच्छा तरीका है कंटिन्यूस अर्निंग करने का। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं सब्सक्रिप्शन फीस की। अगर आप 2500 तक क्रेडिट लाइन लेते हैं, तो आपको 125 रुपीस पर मंथ देना होगा। 5000 तक के लिए 200 रुपये पर मंथ, 10,000 रुपये के लिए 300 रुपये पर मंथ, और 25,000 रुपये के लिए 500 रुपये पर मंथ। 50,000 के लिए ये होगा 900 पर मंथ, और अगर आप 1 लाख तक का क्रेडिट लाइन लेते हैं, तो आपको 1500 रुपये पर मंथ देना होगा।
जो कि फ्रेंड्स एक काफ़ी बड़ा और अच्छा खासा अमाउंट है। अगर आप मान लीजिए 10,000 की क्रेडिट लाइन लेते हैं तो आपको 300 रुपये यानी कि 3% हर महीने देना होगा। तो आपको धनी वन फ्रीडम कार्ड के बेनिफिट्स तो बहुत सारे हैं, पर यहाँ पर आपको इस बात पर ध्यान देना होगा मंथली सब्सक्रिप्शन फीस का। और ये फीस जैसे ही आप कार्ड लेते हैं तुरंत आपके अकाउंट से हर महीने कटना शुरू हो जाएगी, और आपको मिनिमम बैलेंस रखना होगा वरना आपको पेनल्टी भी देनी पड़ जाएगी अगर आप अपने अकाउंट में मिनिमम बैलेंस नहीं रखते हैं। फ्रेंड्स एक और यहाँ पर मुझे ड्रॉबैक लगा कि आपका जो भी क्रेडिट लाइन है उसे आप एक दिन में 10% तक ही यूज़ कर सकते हैं। मान लीजिए आपने 10,000 का क्रेडिट लाइन लिया तो आप 10% यानी एक दिन में 1,000 रुपये से ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते हैं, और एक दिन में एक ही ट्रांजैक्शन अलाउड है। तो फ्रेंड्स अगर आप इस कार्ड को किसी बड़ी परचेज के लिए जैसे कि बाइक या किसी और बड़े खर्चे के लिए लेना चाहते हैं तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। फ्रेंड्स आप चाहें तो साथ में धनी सुपर सेवर भी ले सकते हैं। धनी सुपर सेवर के थ्रू अगर आप जो भी स्पेंड कर रहे हैं तो उस पर आपको 5% कैशबैक मिलेगा, पर धनी सुपर सेवर को एक्टिवेट करने के लिए आपको अलग से मंथली सब्सक्रिप्शन लेना होगा जो कि स्टार्ट होता है 100 रुपये महीना से। फ्रेंड्स आप अपनी एलिजिबल क्रेडिट लाइन खुद देख सकते हैं, उसके लिए आपको इंस्टॉल करना होगा धनी ऐप प्ले स्टोर से, और आप जा सकते हैं धनी वन फ्रीडम कार्ड पर और डाल दीजिए अपनी डिटेल्स जैसे कि पैन कार्ड, डेट ऑफ बर्थ इत्यादि। उसके बाद आप अपनी एलिजिबल क्रेडिट लाइन देख सकते हैं। फ्रेंड्स इस ऐप में KYC करना बहुत ही आसान है। आप ये कर सकते हैं अपने आधार कार्ड के थ्रू, पर यहाँ पर मोबाइल से आधार लिंक होना ज़रूरी है, या फिर आप कोई भी अपनी ID प्रूफ और एड्रेस प्रूफ के साथ भी KYC कर सकते हैं। और KYC होने के बाद आप अपना सब्सक्रिप्शन प्लान सेलेक्ट कर सकते हैं और टर्म्स एक्सेप्ट करना होगा। साथ ही में फ्रेंड्स आपको यहाँ पर अपने बैंक से इसको लिंक करना होगा जहाँ से ऑटोमेटिकली आपकी EMI कट जाएगी। पर फ्रेंड्स यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि EMI कटने से पहले आपके बैंक में बैलेंस होना ज़रूरी है, वरना आपके ऊपर ओवरड्यू चार्जेस और पेनल्टी लग जाएगी। फ्रेंड्स तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से ही क्रेडिट लाइन चूज़ करें, क्योंकि आपका मंथली सब्सक्रिप्शन फीस उसके ऊपर डिपेंडेंट है। फ्रेंड्स मेरा यहाँ पर सजेशन रहेगा कि आप धनी वन फ्रीडम कार्ड लेने से पहले बाकी ऑप्शंस जैसे कि अमेज़ॉन ICICI का कार्ड या फिर पेटीएम SBI का कार्ड उसे भी इवैल्यूएट करें, क्योंकि वहाँ पर आपको कोई भी मंथली सब्सक्रिप्शन नहीं देनी होगी और काफ़ी अच्छे रिवॉर्ड पॉइंट्स भी अवेलेबल हैं। मैंने उस पर एक अलग से वीडियो भी बनाया है, आप उसे भी ज़रूर देखें। फ्रेंड्स अगर आपका कोई भी कमेंट या फीडबैक है धनी ऐप के बारे में तो उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालें। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी करें, और साथ ही में हमारे चैनल फिनहब को सब्सक्राइब भी।